नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके हाथ में क्या वो शुभ चिन्ह है जो आप भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली है हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक लेके जाते हैं उसके बारे में बताती है। हृदय रेखा हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, हमारा इमोशनल प्यार कितना है उसके बारे में बताती है। तो आज हमने भाग्यशाली चिन्हों की बात की। क्या आप भाग्यशाली हैं वाकई में? आपके हाथ में वो लक्षण है, देखते हैं। सबसे पहले हस्तरेखा का जो अंगूठा होता है ना, ये हमारा काफी सुख और समृद्धि के बारे में बताता है। अगर इस अंगूठे के इस पोर पर हमारे ये जो बुद्ध आइज बोलते हैं, जिसको बुद्ध आइज इसी तरह पूरी बना होना चाहिए, एक प्रखर शक्ति, एक प्रखर दिमाग, हर चीज को पहचानने वाला, एक दूसरे को समझने वाला, ये दीप बताता है जिसको हम बुद्ध आइज बोलते हैं। और यहां पर इसी में एक काला तिल बन जाए, उसकी आंख इतनी तेज हो जाती है, बड़े बड़े काम करता है ऐसे लोग, जीवन में सारी सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होती है, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करता है ये जो बुद्ध है, इसका बना हुआ ये आंख इंसान के जीवन में तरक्की के दर्शाता है। ऐसे लोग हर मुकाम हासिल करते हैं अपने माइंड से, अपने बुद्धि के विवेक से, उनको समझने और परखने की कला प्रवीण होती है उनकी। इसी के साथ त्रिकोण, ये त्रिकोण हमारी इस जिसको हम बोलते हैं कि हमारी हृदय रेखा, इसको हम स्वास्थ्य की रेखा भी बोलते हैं। अगर ये आपकी स्वास्थ्य रेखा हमारी इस जीवन रेखा से निकलकर जा रही हो या हमारी इस भाग रेखा से निकल के जा रही हो, और यहां पर ये ट्रायंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल के बाद ट्रायंगल, इसको हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं। जीवन के हर वो लक्ष्य को आप निर्धारित करेंगे जिंदगी में, वो सेविंग करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का काम ये करता है। और मनी एक ग्रेटर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल बनना जिंदगी में आपको हर ऊंचाइयों की तरफ लेके जाने वाली है, हमारी रेखाएं होती हैं, आपको बढ़ोतरी करवाती है, आपको मान सम्मान दिलवाती है। मान सम्मान तभी मिलेगा जब आपकी लाइफ में आपका किया गया कार्य या आपका किया गया धन संग्रह आप अधिक मात्रा में रखेंगे, आप वैसे नेम फेम वाले बन जाएंगे। अब इसी के साथ आपको चीजें मजबूत मिलेंगी आपको कि नहीं मिलेंगी, ये हमारा शुक्र बताता है। मैरिज लाइफ का जितना आनंद मिलता है, जितना वैवाहिक सुख मिलता है, ये हमारा शुक्र बताता है। शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो जिंदगी में हर वो सफलताएं आपके हाथ लगती है और हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन का और एक आपके मान सम्मान का। जिंदगी में आपको तभी चीजें मिलेंगी जब ये चीजें प्रॉपर आपके हाथ में है, अपने हाथों में देखें आप अपना, ये भाग्य संवारने वाले चिन्ह है। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह है तो जिंदगी में आप अपने किस्मत को संवार लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। रेखाएं तभी सपोर्ट करती हैं, ये जो पर्वत हैं ये उठे हुए हैं तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के प्रोग्रेस को देख रहे हैं, आपको उस समय अपने कार्यों को करके सफलताओं की तरफ बढ़ना है,
ये उसका इंडिकेशन है, मेहनत तो तब भी आपको करनी पड़ेगी। और ये चंद्रमा कलाओं के बारे में बताता है, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपका मन खुश है ना, आपका चंद्रमा का पाठ मजबूत है ना, तो आप जिंदगी को हर चीज को हासिल करेंगे। ये शुक्र आपकी सुंदरता के बारे में बताता है, आपके रहन सहन के बारे में बताता है, आपके खान पीन के बारे में बताता है, आपकी लग्जेरियस लाइफ के बारे में बताता है, तो चंद्रमा आपके मन के बारे में बताता है। अगर ये चंद्रमा मजबूत है, आपके विचार अच्छे होंगे, आपका मन खुश होगा, तभी जिंदगी की वो सारी खुशहाली आपको मिलेगी। अगर ये मन मजबूत है, आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जिंदगी में आप कभी डरने वाले नहीं है। और मन हमारा खुश कब होता है, ऐसे लोगों को लाइफ में पत्नी का सपोर्ट काफी मिलता है, वैवाहिक जीवन के बाद उनको पत्नी का सपोर्ट मिलता है और उनको अपने घर से दूर एक शहर से दूसरे घर शहर में जाके उनको तरक्की मिलती है, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं जीवन में, और ऐसे लोग अधिक मात्रा में पैसा भी कमाते हैं। लेकिन उनका जो सपोर्ट होगा उनकी पत्नी का होगा, उनके फ्रेंड सर्कल का होगा, उनके अपने रिलेशन का होगा, और ऐसे लोग हर वो मुकाम हासिल करते हैं जिसका मन प्रसन्न है, वो कहीं भी जाके खुश रहेगा, कहीं भी जाके कार्य कर लेगा। लेकिन अगर ये और ये पर्वत है, जिंदगी में हर ऊंचाइयां आपको मिलने वाली है। अब ऊंचाइयों के साथ क्या आपको मान सम्मान मिलेगा, वो भी तो निर्भर करता है ना आपके ऊपर। ये सूर्य की रेखा, सूर्य क्या है, पराक्रम है, शक्ति है, विवेक है, आपका यश है। अगर ये सूर्य की रेखा और ये सूर्य की फिंगर भी शनि के पहले पोर से बड़ी होनी चाहिए, आपके हिम्मती स्वभाव को बताता है, दर्शाता है कि आपके अंदर विवेक है, हर चीज को पाने का एक लक्ष्य है, आप जिंदगी में वो चीजें हासिल करेंगे। लेकिन ये सूर्य की रेखा आपके मान को, आपके प्रतिष्ठा को, आपके सुख को, आपके समृद्धि को विकास की तरफ लेके जाते हैं, आपके नाम की ख्याति करवा देती है, आपकी एक पहचान करवा देती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।